Hello parents and my dear students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. Okay, so here we have page number 16. Okay, in the previous lecture we have completed question number 4 and question number 5. Students, pichle lecture mein humne question number 4 aur question number 5 complete kar liya tha. And today we will start question number 6. Aur aaj hum question number 6 start karenge. Let us start. Chaliye samajhte hain ki isme karna kya hai. Complete the following sentences using the tense given in the bracket. Okay, students, आप नीचे देखिए, आपको कुछ sentences दिखेंगे जो कि complete नहीं है. Okay, यहाँ पे देखिए आप dot 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 किया गया है. So ये sentences complete नहीं है, तो आपको इन sentences को complete करना है using the tense in the bracket. जो bracket में आपको tense दी गई है उससे आपको कोई appropriate sentence बनाना है. Okay, जो आपको सही लगे. बट टेंस कौन सी होनी चाहिए? जो ब्रैकेट में है. ओके, चलिए स्टार्ट करें. स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को करने के लिए आप अपनी एक रफ नोटबुक निकाल लीजिए. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज, पहला सेंटेंस है, द चाइल्ड वॉज क्राइंग एट द टॉय शॉप बिकॉज. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, एक पॉइंट डालकर वहां पर जो आगे का सेंटेंस है उसे लिखेंगे. ओके, आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. आप यहां पर, हमने क्वेश्चन दिया गया है हमें, और उसका आंसर आप रफ नोटबुक में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो बिकॉज तो यहां हमें दिया गया है, हमें उसके आगे कंटिन्यू करना है, तो आप लिखिए बिकॉज, क्योंकि हिज H-I-S, his mother, M-O-T-H-E-R, mother, had refused. अब हमें यहाँ past perfect करना था, so हम past perfect में had refused लगा रहे हैं. His mother had refused, R-E-F-U-S-E-D, refused की spelling, R-E-F-U-S-E-D, refused to by, B-U-Y, by him, H-I-M, him, a new toy, new, N-E-W, new, T-O-Y, toy, full stop. Students, मैं repeat कर रहा हूँ sentence, his mother had refused to buy him a new toy, full stop. Okay, इस तरह से आपको sentences complete करने हैं. Got it? चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. वी हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 days बिफोर. हम 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं बिफोर, पहले. अब स्टूडेंट्स, आपको सिंपल पास्ट का सेंटेंस यहां पर बनाना है. इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस फॉर्म करना है. सो लिखिए आप अपनी रफ नोटबुक में पॉइंट नंबर बी डालकर, वी, डब्ल्यू ई वी, फाउंड, एफ ओ यू एन डी, वी फाउंड, एफ ओ यू एन डी, आवर, ओ यू आर, आवर, वे, डब्ल्यू ए वाई वे, टू द, टू द वॉटरफॉल्स, डब्ल्यू ए टी ई आर, वॉटर फॉल्स, दोनों साथ ही है,
FALLS waterfalls. FALLS. I'm repeating. मैं रिपीट कर रहा हूँ. We found our way to the waterfalls. Full stop. Done. Okay. यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट का यूज किया. We के साथ found लगाया. Okay. Second form. Now next sentence. The roads in my colony were blocked as roads हैं जो मेरे कॉलोनी के वो blocked हुए थे क्योंकि. स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस कंटिन्यू करना है पास्ट परफेक्ट में. ओके आप सेंटेंस जो कंप्लीट करेंगे अगला सेंटेंस जो बनाएंगे वो पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए. सो उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. लिखिए द टी एच ई द ड्रेन्स डी आर ए आई एन एस ड्रेन्स डी आर ए आई एन एस ड्रेन्स हैड एच ए डी हैड क्लॉग्ड सी एल ओ डबल जी ई डी क्लॉग्ड. क्लॉग्ड की स्पेलिंग लिखिए सी एल ओ डबल जी ई डी क्लॉग्ड ड्यू टू रेन्स डी यू ई ड्यू डी यू ई ड्यू टू रेन्स आर ए आई एन एस रेन्स फुल स्टॉप. स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ द ड्रेन्स हैड क्लॉग्ड ड्यू टू रेन्स फुल स्टॉप. अब देखिए यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया हैड क्लॉग्ड. ओके तो ये पास्ट परफेक्ट को शो करता है यानी क्लॉग्ड हो चुके थे सारे भर चुके थे इस तरह से कि पानी आगे जा ही नहीं पा रहा था वो सारे ब्लॉक हो चुके थे इस वजह से सारे ड्रेन्स कॉलोनी के ब्लॉक थे. डी नेक्स्ट सेंटेंस आई वॉन्टेड टू से गुड बाय टू यू बट मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था लेकिन. नाउ वी हैव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा अगला सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके सो आप आगे लिखिए आई यहां पर कैपिटल आई लिखिएगा आई वॉज डब्ल्यू ए एस वॉज गेटिंग जी ई डबल टी आई एन जी गेटिंग जी ई डबल टी आई एन जी गेटिंग लेट एल ए टी ई लेट फॉर एफ ओ आर फॉर वर्क डब्ल्यू ओ आर के फुल स्टॉप. आई वॉज गेटिंग लेट फॉर वॉक. डन ओके नाउ नेक्स्ट सेंटेंस डैश 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 व्हेन शी रीच्ड द हॉस्पिटल फुल स्टॉप. देखिए स्टूडेंट्स अब तक हम जो सेंटेंसेस कर रहे थे उसमें हमें सेंटेंस बाद में कंप्लीट करना था बट यहाँ देखिए आपको स्टार्टिंग में ही सेंटेंस इनकम्प्लीट मिला है. सो आपको सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट करना है. ओके सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है तो हमें यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो स्टूडेंट्स आप लिखिए नंबर डी सॉरी नंबर ई डालकर दे. अब स्टूडेंट्स जब आप दे लिखेंगे तो टी कैपिटल लिखेगा दे टी एच यू आई दे हैड बीन एच ए डी हैड बी डबल ई एन बीन दे हैड बीन एग्जामिनिंग ई एक्स ए एम आई एन आई एन जी एग्जामिनिंग हिम एच आई एम हिम. एग्जामिनिंग की स्पेलिंग मैं फिर से रिपीट करूं ई एक्स ए एम आई एन आई एन जी एग्जामिनिंग हिम फॉर एफ ओ आर फॉर ट्वेंटी टी डब्ल्यू ई एन
T-Y, 20 minutes, M-I-N-U-T-E-S, 20 minutes, full stop. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फुल स्टॉप मत लगाइएगा क्योंकि आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके, तो आगे आप लिखिएगा व्हेन शी रीच्ड द हॉस्पिटल. डन. सो आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस. मैं सेंटेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. दे हैड बीन एग्जामिनिंग हिम फॉर 20 मिनट्स व्हेन शी रीच्ड द हॉस्पिटल, फुल स्टॉप. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस है हमारा, ही had been writing short stories for 4 years when. वो 4 साल से छोटी कहानियाँ लिख रहा है जब. ओके, नाउ अब देखिए when. अब हमें ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में कंप्लीट करना है. किस में? सिंपल पास्ट में. सो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स नंबर F डाल के लिखिए आप रफ नोटबुक्स में. They offered की स्पेलिंग लिखिए OFFERED 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 they offered to TO publish. Now publish की स्पेलिंग PUBLISH PUB B for baller PUBLISH publish his book HIS BOOK book full stop. Students I'm repeating again, they offered to publish his book. Done. ओके, नाउ कम टू सेंटेंस नंबर जी. सेंटेंस नंबर जी पे आ जाइए. आई वोक अप बिफोर 10 o'clock बिकॉज, मैं 10 बजे से पहले उठ गया क्योंकि. अब आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में. किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में. सो लिखिए my mother MOTHER my mother asked. Here we have to write asked. Spelling ASKED. My mother asked me to visit my aunt. Okay. My mother had asked me. यहां पर students आप had लिखेगा asked के पहले. HAD had asked. My mother had asked me to visit, V-I-S-I-T, visit my aunt, A-U-N-T, aunt, full stop. I'm repeating again, my mother had asked me to visit my aunt. Done? Okay, now next sentence, Athira was so tired because. Athira बहुत थकी हुई थी क्योंकि. Now we have to complete this sentence in past perfect continuous form. Students इस sentence को हमें past perfect continuous tense में complete करना है. Okay? So चलिए let us write. लिखिए H डालकर अपनी rough notebook में. She had been. HAD had. BWN been. She had been preparing. PREPARING. She had been preparing. PREPARING. Preparing for the competitive. Now write the spelling. Competitive ki spelling likhiye. COMPETITIVE. TITI दो बार आएगा. ओके, आप फिर से सुनिए. COMPETITIVE. Competitive
exams, 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 competitive exams, for a few month, FOR, for a few month, few, 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 MONTH, month. Done? Okay, now let us come to activity number 7. चलिए स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 7 पे आ जाते हैं एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव टू डू हियर. और चलिए समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है. नाउ एक्टिविटी नंबर 7 सेज आइडेंटिफाई द एरर्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली. तो यहाँ कहा गया कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस में कुछ एरर्स हैं तो आपको वो पहचानने हैं और सेंटेंस को सही से दोबारा लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, One has been done for you. तो देखिए एक आपको करके दिखाया गया है. Okay students, you can see here. इस sentence में A में she had been talked to her mother for 30 minutes. यहाँ देखिए लिखा गया है she had been talked. But यहाँ पर students आप देखिए जब हम had been का use कर रहे हैं तो वो past perfect continuous tense है और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है वर्ब की, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो हम यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ओके, ना कि ईडी. ये तो सेकेंड या थर्ड फॉर्म हो जाएगी. सो ये गलत है, हमें यहाँ पर इसे करेक्ट करना था. सो हमने यहाँ टॉकिंग कर दिया, टॉक की जगह टॉकिंग हो गया. ओके चलिए स्टूडेंट्स, आपको ये सेंटेंसेस दोबारा जब मैं इसका करेक्ट आपको वर्ड बता दूंगा तो अपनी रफ नोटबुक में लिखना है. ओके लेकिन पहले हम इसके एरर्स रेक्टिफाई कर लेते हैं. जो एरर्स हैं उन्हें पहचान कर उन्हें सही कर लेते हैं, फिर आप सेंटेंस को जब आपको टाइम मिले घर पे कर लीजिए. ओके नाउ सेंटेंस नंबर बी इज हिज सक्सेस वाज मीनिंग अलॉट टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स. यहाँ देखिए यहाँ क्या कहा गया, हिज सक्सेस, उसकी सफलता वॉज मीनिंग अलॉट, उसके परिवार को और उसके दोस्तों के लिए बहुत मायने रखती है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए जो सेंटेंस है वो गलत है. ओके यहाँ पर वॉज मीनिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आप वॉज मीनिंग को अंडरलाइन कर लीजिए. स्टूडेंट्स वॉज मीनिंग को अंडरलाइन कीजिए और ऊपर लिखिए M E A N T, meant, M E A N T, meant. तो जब आप सेंटेंस दोबारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, His success meant a lot to his family and friends. ओके आपको was meaning वहां नहीं लिखना है, उस जगह आपको meant लिखना है. समझ आया स्टूडेंट्स, गुड. नीचे देखिए अगला सेंटेंस, He was entered the building when I see him yesterday. अब देखिए यहाँ पर दो मिस्टेक्स हैं. फर्स्ट आप वर्ड entered को अंडरलाइन कीजिए और सेकेंड आप कीजिए वर्ड see को अंडरलाइन. कैसे, see को. स्टूडेंट्स जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो वॉस के साथ एंटर्ड कभी नहीं आता है, वॉस के साथ आई एन जी फॉर्म आएगी. तो आप एंटर्ड को अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर लिखिए ई एन टी ई आर, ई एन टी ई आर, एंटर, आई एन जी, आई एन जी, एंटरिंग. क्या होगा, वॉस एंटरिंग, वॉस के साथ पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आई एन जी फॉर्म लगेगी. He was entering the building when I, अब देखिए जब हम past की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर C का past form यानी simple past हो जाएगा saw. क्या हो जाएगा, saw. तो आप C की जगह ऊपर लिखिए S A W, saw, S A W, saw. हम C नहीं लिखेंगे. ओके चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं. When you becoming the principal of the school, I am the first one to
कॉन्ग्रेचुलेट यू। अब यहां देखिए, यहां क्या कहा गया है, स्टूडेंट्स यहां कहा गया है कि जब तुम स्कूल के प्रिंसिपल बने थे तो तुम्हें सबसे पहले बधाई देने वाला मैं ही था। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहां पर बिकमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है। क्या करना है, बिकेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है, बिकॉज ये गलत है, यहां पर ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना ही ये वर्ड सही है यहां। और आपको अगला वर्ड जो अंडरलाइन करना है वो है एम, ए एम एम। ओके, आप अंडरलाइन कर लीजिए अगले वर्ड एम को, ए एम एम को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सेंटेंस में व्हेन यू हैड बिकम, हैड बिकम होगा, क्या होगा, ऊपर लिखिए एच ए डी हैड, फिर स्पेस देकर लिखिए बिकम, बी ई सी ओ एम ई, हैड बिकम, बी ई सी ओ एम ई, बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आई एम, अब यहां पर एम नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम, आप एम को अंडरलाइन कर लीजिए और उसके ऊपर लिखिए डब्ल्यू ए एस वॉज, क्या लिखेंगे हम, वॉज, जब तुम स्कूल के प्रिंसिपल बने थे सबसे पहले तुम्हें बधाई देने वाला मैं था, आई वॉज द फर्स्ट। ओके, था। नेक्स्ट सेंटेंस, सूरज हैज पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल अ वीक बिफोर ही डैश फॉर गुवाहाटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये सेंटेंस गलत है। हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज आती है। ओके, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड हैज को, सबसे पहले आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड हैज को और उसके ऊपर लिखिए एच ए डी हैड, क्या लिखेंगे, एच ए डी हैड, डन। ओके, सूरज हैड पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल अ वीक बिफोर ही। अब देखिए यहां पर हमारा अगला वर्ड जो है वो क्या है, लीव्स। अब लीव्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, लीव्स हमारा प्रेजेंट में आता है ना कि पास्ट में, पास्ट में उसकी फॉर्म होगी लेफ्ट, आप ऊपर लिखिए लीव्स के एल ई एफ टी लेफ्ट, एल ई एफ टी लेफ्ट, डन। सूरज हैड पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल अ वीक बिफोर ही लेफ्ट फॉर गुवाहाटी, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाइल द डियर वर ड्रैंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द टाइगर वॉज स्लोली कम टूवर्ड्स देम। तो यहां कहा गया है कि जब हिरण पानी पी रहे थे, ओके, तब टाइगर उनकी तरफ धीरे धीरे आया, उनकी तरफ आ रहा था। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए जो वर्ड ड्रैंक है वो गलत है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए और ऊपर लिखिए ड्रिंकिंग, वर के साथ आई एन जी फॉर्म लगेगी, डी आर आई एन के आई एन जी, डी आर आई एन के आई एन जी, ड्रिंकिंग। ओके, द डियर वर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब से पानी पी रहे थे। द टाइगर वॉज स्लोली, अब कम नहीं होगा यहां पर, क्या होगा, आई एन जी फॉर्म लगेगी तो कमिंग हो जाएगा। सो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड कम को, सी ओ एम ई कम को, और उसका सही फॉर्म ऊपर लिखिए सी ओ एम आई एन जी, सी ओ एम आई एन जी, कमिंग टूवर्ड्स देम, फुल स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैड टेलिंग मी दैट बलबीर ऑलरेडी सेंट द मेल टू हर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां कहा गया कि तुमने मुझसे कहा कि बलबीर ने उसे मेल पहले ही भेज दिया है। नाउ लुक हियर, आप यहां देखिए हैड के साथ आई एन जी फॉर्म लगी है, इज इट करेक्ट, क्या ये सही है, नो स्टूडेंट्स, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड टेलिंग को, अंडरलाइन कीजिए वर्ड टेलिंग को और उसकी जगह ऊपर लिखिए टी ओ एल
डी टोल्ड, टी ओ एल डी टोल्ड, डन. ओके, यू हैड टोल्ड मी दैट बलबीर ऑलरेडी सेंड द मेल टू हर. ओके, ये होगा सही सेंटेंस. नाउ द लास्ट सेंटेंस, सारिका हैज बींग वेटेड फॉर हिम फॉर 4 hours एट द एयरपोर्ट बिफोर शी फाइनली बुकड अ कैब. ओके, यहाँ कहा गया सारिका उसके लिए 4 hours से एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रही थी बिफोर, उससे पहले जब उसने कैब बुक करवाई. कैब बुक करवाने से पहले वो उसका इंतज़ार 4 hours तक कर रही थी. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में, अब यहाँ पर कहा गया हैज़ बींग वेटेड, ये गलत है. ओके, यहाँ पर हम इसे करेक्ट कीजिए. स्टूडेंट्स पहले तो आप हैज़ बींग वेटेड इन तीनों ही वर्ड्स को एक साथ अंडरलाइन कर लीजिए और ऊपर लिखिए एच ए डी हैड बी डबल ई एन बीन, एच ए डी हैड बी डबल ई एन बीन वेटिंग, क्या होगा वेटिंग डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी, डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी वेटिंग. ओके, क्या होगा वेटिंग डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, डन. ओके, नाउ यू मे चेक योर आंसर्स. स्टूडेंट्स अब आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए एक बार, दैट यू हैव रोट एवरीथिंग करेक्टली, कि आपने सब कुछ सही लिखा है. क्वेश्चन नंबर 6, ए, द चाइल्ड वॉज क्राइंग एट द टॉय शॉप बिकॉज हिज मदर हैज रिफ्यूज टू बाय हिम अ न्यू टॉय. ओके, हिज मदर हैड रिफ्यूज टू बाय हिम अ न्यू टॉय, ये हमारा आंसर था. नेक्स्ट, वी हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 days बिफोर वी फाउंड अवर वे टू द वाटरफॉल्स, डन. ओके, नाउ नेक्स्ट, द रोड्स इन माई कॉलोनी वर ब्लॉक्ड एज द ड्रेन्स हैड क्लॉग्ड ड्यू टू रेन्स, डन. डी, I wanted to say goodbye to you, but I was getting late for work. Next, they had been examining him for 20 minutes when she reached the hospital. Now, next, he had been writing short stories for 4 years when they offered to publish his book. Now, coming to next sentence, I woke up before 10 o'clock because my mother had asked me to visit my aunt. Next sentence, Athira was so tired because she had been preparing for the competitive exams for a few months. Done? Okay, now coming to question number 7. Question number 7 pe aa jaiye. B1, his success meant a lot to his family and friends. Done? Next, he was entering the building when I saw him yesterday. Done? Next, when you had become the principal of the school, I was the first one to congratulate you. Done? Good. Next, Suraj had paid the electricity bill a week before he left for Guwahati. Okay, students, here you have to correct the word paid. Aapko word paid bhi correct karna hai, okay? I forgot that. Main ye bhul gaya tha. P-A-I-D, paid. It's paid. Ye paid jo form likhi hai, ye galat hai. P-A-Y-E-D nahi hota hai, P-A आई डी होता है, पेड. ओके, ही हैड पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल अ वीक बिफोर ही लेफ्ट फॉर गुवाहाटी. नेक्स्ट, वाइल द डियर वर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द टाइगर वॉज स्लोली कमिंग टूवर्ड्स देम. नेक्स्ट, यू हैड टोल्ड मी दैट बलबीर ऑलरेडी सेंट द मेल टू हर. एंड द लास्ट, सारिका हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 4 hours at the airport before she finally booked a cab. Done? Okay students, so if you want you may take the screenshot. Agar aap chahein to iska screenshot bhi le sakte hain. So you can do it later. Aap ise baad mein aaram se dekh saken. Okay? Now coming to book part. Okay, so what you have to do in homework? Listen, aapko homework mein kya karna hai? Students, you have to read question number 6
एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन अच्छे से पढ़कर समझना है एंड यू हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन. आपको क्वेश्चन नंबर सेवन के सेंटेंसेस दोबारा अपनी नोटबुक में सही करके लिखना है. ओके, हमने आंसर्स इसके लिख दिए, इसे सही कर दिया, बस आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. एंड व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क, अनदर एक्टिविटी इज एक्टिविटी एट. ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए मेन होमवर्क आपका आज ये है, बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिवन बिलो फ्रेम टू सेंटेंसेस इन ईच टेंस यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. आपको क्या करना है, इस सेंटेंस के आधार पर, ओके सॉरी, इस पिक्चर को देखकर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं हर उस टेंस के दो दो सेंटेंस जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, यानी पास्ट सिंपल के दो, पास्ट कंटिन्यूस के दो, पास्ट परफेक्ट के दो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के दो सेंटेंसेस इस पिक्चर को देख के. ओके स्टूडेंट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. देखिए एक आपको करके दिखाया गया है, राहुल वेंट टू अ नियर बाय पार्क विद हिज मदर एंड हिज पेट डॉग ब्राउनी. देखिए यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस आपको करके दिखाया गया है, तो आपको होमवर्क में ये सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मे लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.